तो लो भाई, इस वीडियो में मैं उल्लू वालों के मुंह पे बोलूंगा कि भाई इस बार हमने इस वेब सीरीज से जो उम्मीद की थी, उल्लू वालों ने उस उम्मीद पे पानी फेर दिया। भाई जस्ट अभी मैं जाने अनजाने का पार्ट 5 देख के आ रहा हूँ। मैंने नहीं सोचा था कि यार इस वेब सीरीज का क्रेज इतना ज्यादा था और इस वेब सीरीज की स्टोरी लाइन इतनी डम हमको देखने को मिलने वाली है। मतलब यार जो इस वेब सीरीज से हमने उम्मीद लगाए रखी थी, फाइनली हमारी पूरी उम्मीदों पे बुरी तरह पानी फेरा गया है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें तो चरमसुख जाने अनजाने में दीपक दत्त शर्मा का आपको अलग रोल देखने को मिला था इससे पहले वाली वेब सीरीजों में, लेकिन यार यहाँ पे अगर हम पार्ट 5 की बात करें तो भाई ये वेब सीरीज इतनी ज्यादा डम डाउन रहने वाली है। तो मतलब यार आखिरकार हमने वेब सीरीज देख ली, तो भाई इस वेब सीरीज का रिव्यू भी अब हम कर देते हैं। क्योंकि यार जीनी जज की ये वेब सीरीज थी जो कि काफी लंबे समय तक उल्लू वालों ने इस सीरीज को लटका के रखा, फाइनली यार अब रिलीज कर दिया तो वो मजा नहीं आया वेब सीरीज को देखने के बाद में। सबसे पहले अगर हम बात करें इस वेब सीरीज की स्टोरी लाइन की, तो भाई राज और काजल नाम की कोई गर्ल्स और यहाँ पे जेफ और बीएफ को दिखाया जाता है। इनके रिलेशन को काफी लॉन्ग टाइम हो जाता है, लेकिन यार यहाँ पे अगर हम जिसकी जेब की बात करें तो फाइनली यार वो चाहती है कि मतलब यार राज से वो काफी ज्यादा यार अब ब्रेकअप करना चाहती है, लेकिन यहाँ पे अगर हम काजल की बात करें तो अब वो नहीं चाहती कि राज के साथ में वो अब टाइम स्पेंड करे। लेकिन यहाँ पे अगर हम राज की बात करें तो ये सब कुछ चीजें वो अपनी आंटी को आकर बोलता है। यहाँ पे अगर हम उसकी आंटी की बात करें तो उर्मिला नाम इसमें आपको देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे अगर हम उर्मिला की बात करें तो फाइनली राज को वो काफी ज्यादा समझाती है, केयर करती है और फाइनली उसको आगे ग्रो करने के लिए काफी ज्यादा यार वो बोलती रहती है। लेकिन राज की बात करें तो भाई अब वो इस चीज में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होता, वो इस डिप्रेशन से बाहर निकल जाता है। और अभी इसमें हमको देखने मिलेगा कि अब राज चाहता है कि फाइनली वो उसके आंटी के साथ में काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करे। मतलब यार इस एक वेब सीरीज में आपको 2 एपिसोड देखने को मिलने वाले हैं, तो भाई अब राज चाहता है कि वो उसके आंटी के साथ में भाई टाइम स्पेंड करे, काजल को वो एकदम साइड में हटा देता है। तो ये तो इस वेब सीरीज के एपिसोड फर्स्ट में आपको देखने को मिलेगा। तो भाई ये सीन तो इस वेब सीरीज के एपिसोड फर्स्ट में आपको देखने को मिलेगा। अब आगे क्या धमाका होने वाला है वो तो इसका नेक्स्ट वीडियो में लेके आने वाला हूँ एपिसोड 2 का, उसमें आपको बताने वाला हूँ कि आखिर राज भाई अपनी आंटी उर्मिला के साथ में उन दोनों के क्या कनेक्शन होते हैं, वो तो वेब सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा। वो तो इसका एपिसोड, अब आगे की बात करें तो भाई यहाँ पे देखने मिले। उम्मीद करता हूँ यार इस शॉर्ट वीडियो में एपिसोड फर्स्ट का पूरा स्टोरी लाइन एक्सप्लेन कर चुका हूँ। वीडियो से लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंडों के साथ वीडियो को शेयर कर देना, और अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि आने वाली मेरी कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड, बाय बाय।